पर हमारे केस में तो हर एक मिनट में डिस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में आ जाता है। बेटा बैठ जा, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं रखा इनमें रीलो वीलो में, कुछ नहीं रखा फॉलोवर चेक करने में कि आज अच्छा 6 बढ़ गए, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा जहाँ से कुछ आ सकता है, जहाँ से आपकी बुद्धि का विकास होगा, जहाँ आपके लिए एक अच्छी जिंदगी इंतजार कर रही है, उस जिंदगी में एंटर करने का जो रास्ता है वो ये है। स्ट्रगल करते समय लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल में अकेला रहना पड़ता है, बट जब आप कामयाब हो जाते हो तब उसके बाद में फिर वो आपसे बहाने बनाएंगे, अलग अलग तरीके से मिल लेंगे। यार तू तो मेरा भाई है, और उधर क्या बोलते हैं लड़कियों में, तू तो बहन है अपनी, ऐसे क्या करती है और क्या। हाँ मुझे पता था तू जरूर कुछ कर देगी, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो इसीलिए जो आपके स्ट्रगलिंग डेज है उनमें ज्यादा ना घबराओ, स्ट्रगलिंग डेज से ही लड़ने के लिए एक दो लाइनें बोली गई है, ध्यान सुनना। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और ये जो लड़ाई है ये एक सेकंड की नहीं है, हमें पल पल हर पल, पल पल हर पल अपने आप से भिड़ना पड़ता है ना। आप पढ़ने बैठते हो कि आपको ऐसा लगता होगा यार हर 10 मिनट में, 10 मिनट तो मैं बहुत बड़ा इंटरवल बोल रहा हूँ, हमारे केस में तो हर एक मिनट में डिस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ये पल पल का ही तो स्ट्रगल है, पल पल पल, समझ में। जिसके बारे में कहीं कहा गया नहीं है, सुना गया नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं, भगवान ने जब आपको बनाकर भेजा तो धरती पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, ऑल्दो आपका परिवार है, आपके टीचर्स हैं, एक आपके उनके साथ कुछ रिश्ता है, वो ठीक है, बट अब आप ध्यान से फील करो, बहुत ध्यान से। वो पल पल वाला स्ट्रगल आपको फील करना ही पड़ेगा, वो पेन लेना ही पड़ेगा। जो इस पेन को सह गया, जो लड़ गया, जो पल पल लड़ता रहेगा, हर बार हर मिनट हर सेकंड चाहे अपने आप को समझाना पड़ेगा, नहीं भाई अभी अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, अभी अगर मैंने अगर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया, अभी अगर मैं किसी दोस्त के साथ घूमने चला गया तो मेरा बैकलॉग हो जाएगा, मेरा होमवर्क रह जाएगा, सबने बोला है नोट्स करने हैं। ये बात खुद ही खुद को समझानी है। पेरेंट्स एक या दो बार समझाते हैं कि पढ़ ले बेटा भविष्य खराब हो जाएगा, और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। टीचर कलेक्टिवली समझाते हैं, दोनों ही समझ काम नहीं आती अक्सर। असली समझ वो काम आएगी जब आप खुद अपने आप को समझाओ, जब अंदर से आवाज निकलती है ना बेटा बैठ जा, कहां जा रहा है, कुछ नहीं रखा इनमें रीलो वीलो में, कुछ नहीं रखा फॉलोवर चेक करने में कि आज अच्छा 6 बढ़ गए, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा जहां से कुछ आ सकता है, जहां से आपकी बुद्धि का विकास होगा, जहां आपके लिए एक अच्छी जिंदगी इंतजार कर रही है, उस जिंदगी में एंटर करने का जो रास्ता है वो ये है। आप इसको जोड़ के बाकी दुनिया के पीछे पड़े हो, गजब की बात। और मैं हर बार, मैंने कभी आके ये बोला कि नहीं बेटा आराम से रिलैक्स कर लो, नहीं, क्यों कर ले भैया रिलैक्स। हमने जिस चीज का बीड़ा उठाया सर, जिसमें हमने बोला, जिस पे हाथ रखा है कि हाँ ये वाला काम करूंगा, उसमें तो मेहनत लगती है, उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये बोलोगे सर मुझे तो घूम के आना है, जाओ कोई मेहनत नहीं है, पैसे हैं तो घूमा जाओ, मोहल्ले में ही घूमना है तो बिना पैसे के ऐसे ही घूम लो, समझो और फिर रिएक्ट करो। बहुत 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 मैच्योरिटी चाहिए इस बात को समझने की। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों में नहीं है, बट आपको पहचाननी पड़ेगी वो मैच्योरिटी। और बार बार आके तो कोई नहीं समझाता, ध्यान रखना। धीरे 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 बीच में से शुरू हुए जब बहुत सारे लोग साथ में थे, कुछ लोग साइड में हट गए हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, हम तो पीछे रह गए, स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, हट गए। वो कारण चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, कुछ बचे हैं। अब वो चैप्टर वाइज चैप्टर कुछ ना कुछ बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो एक ऐसे समझो कि झुंड चला था 100 लोगों का, जिसमें से 7 या 8 अब तक पीछे रह चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग आगे चल रहे हैं, थोड़े आसपास हैं, मतलब कलेक्टिव है, बट इसमें से भी कुछ लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये बात जो है, मतलब मैं इसको फील कर रहा हूँ 100% कि ये मुश्किल चीजें हैं। टाइम बिताइए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, एक बार देखो कि क्या चल रहा है, समझो, उस चेयर से उठो मत, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और कभी आपके किसी दोस्त के नंबर आ रहे हो पेपर में, ये मत सोच लेना कि वो दोस्त जो है पढ़ाई नहीं कर रहा, वो जो तू काम कर रहा है ना, पबजी वबजी और ये सब, वो छोड़ चुका है और वो दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तब उसके पेपर में नंबर आता है।